इस टाइम आपने मुझे बताना है कि मेरे हाथ में क्या है इस टाइम. जब हम इसको ड्राई करके खाते हैं तो उसको प्रूंस कहते हैं. और जो ये प्रूंस होते हैं ना, मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ जब उनको कॉन्स्टिपेशन होती है तब वो लोग खाते हैं. एंटी एजिंग के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, कैलोरीज इसमें बहुत कम होता है तो मेरे क्लाइंट्स इसको बहुत अच्छे से खाते हैं. डायबिटिक पेशेंट्स तो डेफिनेटली, क्योंकि इसमें कैलोरीज नहीं है, ये थोड़ा सिट्रस होता है, विटामिन सी बहुत अच्छा है. मैं अपने ऐसे कैंसर पेशेंट्स को भी देती हूँ जिनका ऑलरेडी पोस्ट कीमो, मतलब रीअकरेंस के चांसेस ना हो, सो कैंसर पेशेंट्स भी ये बहुत खाते हैं. इसके इतने वैल्यूज़ हैं और सस्ता मिलता है मार्केट में, पर इतना वैल्यू होने के बाद आप लोग अपने डाइट में इसको जगह दे रहे हो या नहीं, और इसका जैम बनाते हैं, तो आप मुझे नेम बताइए कि इसको क्या कहते हैं. मैंने आपको बता दिया, ड्राई करके खाते हो तो इसको प्रूंस कहते हैं, और एंटी एजिंग के लिए काम आता है. मेरा ट्यूसडे तोड़का ज़रूर देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि आप एंटी एजिंग कैसे कर सकते हैं इस फ्रूट के साथ. नेम दिस फ्रूट, कहते हैं दिस अ डे कीप्स एंजाइटी अवे. सो अगर आप अपनी एंजाइटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अच्छा करना चाहते हो, ब्रेन हेल्थ को अच्छा करना चाहते हो, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी बहुत होते हैं, तो रात को खाकर सोइएगा, 2 घंटे का गैप रख लेना. थोड़ा खट्टा खट्टा सा होता है और इसके कलर्स बहुत होते हैं. ये वैसे जो अभी मेरे पास कलर है क्योंकि ये पेड़ से टूटा हुआ है, लेकिन अदरवाइज़ ये एक डार्क पर्पल कलर का भी होता है. आपको मुझे नेम बताना है और आप इसका क्या रेसिपी बनाते हैं या वैसे ही खाते हैं ज़रूर बताइएगा.